कुछ दिनों से काफी विवाद में घिरी हुई थी उर्फी जावेद, माननीय चित्रा ताई वाघ और अल्पसंख्यक विकास मंडल महाराष्ट्र महिला प्रदेश अध्यक्ष फरहत देशमुख द्वारा किए गए विरोध का असर उर्फी जावेद पर नजर आया है। फरहत देशमुख द्वारा सोशल मीडिया पर चलाए गए हैशटैग बॉयकॉट उर्फी जावेद अभियान के बाद ऐसा लगता है कि उर्फी जावेद अब तक जो अश्लील कपड़ों में देखी जाती थी, कुछ दिनों से अश्लील कपड़े छोड़कर महाराष्ट्र की संस्कृति को ध्यान में रखकर सही तरीके के कपड़े पहनती नजर आ रही है। हम उर्फी जावेद के खिलाफ नहीं, पर हम उसके इस बेहुदा और अश्लील फैशन का विरोध करते हैं, ऐसी बात फरहत देशमुख ने एक वीडियो के जरिए से कही थी। फरहत देशमुख का कहना है, महाराष्ट्र में हम हर उस व्यक्ति का विरोध करेंगे जो ऐसे अश्लीलता वाले कपड़े पहनकर महाराष्ट्र और समाज का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा, और अगर महाराष्ट्र में आगे भी ऐसी अश्लीलता वाली हरकतें किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई, तो उसका विरोध भी हम इसी तरह करेंगे। ऐसी बात अल्पसंख्यक विकास मंडल महाराष्ट्र महिला प्रदेश अध्यक्ष फरहत देशमुख ने की थी। फरहत देशमुख ने महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों से अपील की है, ऐसे अश्लीलता फैलाने वाले लोगों का विरोध करना जरूरी है जो समाज में गंदगी फैलाते हैं और समाज को गंदा करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों का विरोध करें। अगर हम खामोश रहे तो आगे बलात्कार जैसी घटनाएं सामने आती है, तो ऐसी अश्लीलता फैलाने वाले लोगों को रोकने की जरूरत है। आज देखा जाता है बलात्कार जैसे आम हो गया है, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हो रहा है। हम सब अपनी जिम्मेदारी समझकर अपने अपने लेवल पर सोशल मीडिया के जरिए ऐसे लोगों का विरोध करें और जागरूकता का सबूत दें।